खालसा कॉलेज में हो रहा है। ये यात्रा जो है ये पाकिस्तान से निकली है 1 अगस्त को और पूरे देश में हर प्रांत में होती होती और ये बम्बई पहुंची है 21 तारीख को, नवी बम्बई में एंट्री की है। उसके बाद में ये आज 23 तारीख को इसका आखिरी पड़ाव है और हर जगह पे जो पंडाल लगे थे हर गुरुद्वारों के बाहर, एक एक पंडाल में हर 20,000 से नीचे संगत नहीं थी, हर एक पंडाल में। ये अदृश्य है कि कोई घर में लगता है बैठे ही नहीं है और 1 लाख आदमी मुंबई में घूम रहे हैं सब लोग दर्शन के लिए, और दर्शन की अभिलाषा ऐसी है कि लोग आगे पालकी साहब को जाने नहीं दे रहे हैं और आगे लेट जाते हैं पालकी साहब के कि नहीं दर्शन कर दें आपको, ऐसा उनका कि पालकी नहीं जाए, वो बोलते हैं हमारी यही दिवाली है, यही विसाखी है, ये पालकी साहब इधर ही रखो। तो ये उत्साह है, सब पूरे पूरे शहर में उत्साह है। तो आज ये खालसा कॉलेज में से निकल रही है 10 बजे और इधर पूरे स्टूडेंट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब 10 दिन से डेकोरेशन कर रहे हैं, जो आपने शायद बाहर डेकोरेशन देखा है वो 10 दिन से लगे हैं पूरी तैयारी में और सब मिल के कर रहे हैं पूरे। तो आज उत्साह है पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, आप बाहर देखोगे अभी पूरा आपने देखा होगा कि कुछ 5,000 की गिनती में तो स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज के, और हर एक को ये उत्साह है कि हम दर्शन करें गुरु के, पालकी साहब के दर्शन करें। अभी ग्रंथ साहब जी आ रहे हैं नीचे, उसके आने के बाद में हम लोग इधर से ये शुरुआत करेंगे और इधर से होता हुआ गुरु नानक हॉस्पिटल जाएगा, गुरु नानक हॉस्पिटल से ये सांता क्रूज में धन पठवार गुरुद्वारा जाएगा, उसके बाद में अंधेरी गुरुद्वारा जाएगा और बाद में बोरीवली में रात को समाप्ति होगी। ये जी कितने गुरुद्वारों में क्या प्रोग्राम किया गया है, जैसे सिख जो है समुदाय ये कुछ जो हाँ एक गुरुद्वारे हमारे 113 हैं, इन्होंने क्या किया है कि गुरुद्वारों ने मिल गए हैं, 8-8 का ग्रुप बना लिया, ऐसे 10 फंक्शन हुए हैं, 10-12 फंक्शन हुए हैं टोटल। तो हर एक फंक्शन में 20,000, 25,000 किधर 40,000 की गिनती है क्योंकि ग्रुप बन गया गुरुद्वारों का, हर एक गुरुद्वारों में तो जा नहीं सकते, ये तो इधर 15 दिन लग जाएंगे। सर कहीं ना कहीं ये सद्भावना का प्रतीक भी है, जो भी हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, करतारपुर को लेकर भी बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब एक हर आदमी से जुड़ेगा, क्योंकि ये जो है अभी जो जैसे खटास चल रही है पाकिस्तान को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखो एक क्या होता है जब रास्ते मिलने के खुलते हैं ना, एक तो होता है टेलीफोन से, एक होता है रूबरू। रूबरू जो होता है वो रोड के जरिए होता है कि हम जाएं उनको मिले, वो आए हमको मिले, तो इसमें हमारी जो है ना एकता बढ़ेगी। ये एक उद्यम है, एक परिश्रम है, इसका फल जरूर मिलेगा मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा है। हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब हैं उस पर 1430 पेज का है जिसको हम अंग बोलते हैं, उसका उसको 48 घंटे लगते हैं पढ़ने में लगातार रात दिन। उसका पहला लफ्ज ही है एक ओंकार, भगवान एक है, शुरुआत ही उससे है। हमारी एंड क्या होता है, सर्वत का भला। हमारी जो गुरुओं की जो फिलॉसफी है वो बेसिक वो है वन गॉड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सारी इंसानियत की प्यार मोहब्बत की है, शांति का प्रतीक है। तो इसलिए जो आपका जो प्रश्न है कि दुनिया में आज जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो खतरा बना हुआ है, वो सारा अगर दुविधा खत्म हो जाती है अगर हम ये एक्सेप्ट कर ले कि भगवान सांझा है, आप नाम राम रखो, रहीम रखो, गुरु नानक रखो, जीसस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही भगवान के हम सब हैं। तो ये जो यात्रा का बेसिक मकसद ही वही है कि जो हम ननकाना साहब से, क्योंकि जहाँ पे गुरु महाराज का जन्म हुआ था वहाँ से लेके आए हैं, और 5 नवंबर को सुल्तानपुर लोधी में जाके टर्मिनेट होगी, क्योंकि सुल्तानपुर लोधी करतारपुर एरिया में गुरु महाराज ने अपने ज़िंदगी के आखिरी 18 साल वहाँ पे बिताए थे। मेन फंक्शन है वो सुल्तानपुर लोधी में होगा। और इसमें गुरु नानक का उपदेश जो है ना वो है कि मानस की जात सब एक है पहचान वो, ऊपर से जो आते हैं वो सब जात एक है, उसके बाद में इधर आने के बाद में जात बदल जाती है, कोई मुस्लिम हो जाता है, कुछ क्रिश्चियन हो जाता है, कोई सिख हो जाता है, कोई हिंदू हो जाता है, कोई बुद्धिस्ट हो जाता है, तो मानस की जात एक है और एक ही वो समझते हैं कि सब एक है, एक ओंकार, सब एक है, चारों एक एक ही है, एक ही ऊपर से आए हैं जिसको हम अकाल पुरुष बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलते हैं, ये वो हिसाब है, इसको परमात्मा बोलते हैं।
इधर आके हम नाम देते हैं गुरु नानक, राम, रहीम, पर परमात्मा जो है वो अदृश्य है, पर वही सब कर रहा है। तो हमारे में भी और सब में वही है कि अल्लाह जिसको बोलते हैं, अल्लाह को किसने देखा नहीं है, पर उनका जो प्रीस्ट है उनको देखा हुआ है, वो जिंदे थे, हमारे जैसे थे, गुरु नानक भी हमारे जैसे थे। तो उन्होंने, अकाल पुरख ने, अल्लाह ने या भगवान ने ये बंदे भेजे हैं नीचे उपदेश के लिए कि सबको उपदेश दो और सबको इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के लिए ये संसार में आए, नहीं तो ये तो रुल जाते हैं। हम लोग कोई नहीं होता तो हम लोग क्या करते, एक दूसरे से नफरत करते। तो ये मेन चीज है इधर का, गुरु नानक का। क्लियर नहीं है आपका सर। ये है कि कहा गया था कि करतारपुर को लेकर सिखों में आंदोलन कराए, लंदन में कराए, जगह जगह पर। वो तो कोई 5-10 लोग तो इक्के तिक्के इधर कुछ भी करते रहते, हर हर धर्म में, हर जाति में, हर देश में, उसकी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेन, जो लार्जर जो सेगमेंट है, जो मेन जो स्ट्रीम है, वो तो इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करती। वो तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो भड़काने की कोशिश की जाती है। वो तो 5-10 रहते हैं ऐसे लोग, उसका कोई मतलब नहीं, अर्थ नहीं। और कुछ कहना चाहिए सर? नहीं, बस सब खुशियाँ बटोरो और बांटो, बिकॉज एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती जब जलाते हो तो उसकी रोशनी कम नहीं होती। तो खुशियाँ जो हैं सब जगह पे, सब इंसानियत, कायनात, ये प्यार से रहो। आज वही है जो गुरु महाराज का जो संदेश है, वन गॉड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, दैट इज द मेन संदेश। तो अपना जिंदगी अपनी नॉर्मल बिताओ, कोई बनवास लेने की जरूरत नहीं है, और दूसरों के साथ शेयर करो, बेसिकली ये है। और सब धर्म एक है, हम सब की इज्जत करते हैं। रघुबीर सिंह गिल, मुख्य सेवादार श्री गुरु सिंह सभा मुंबई। समुचे विश्व में गुरु नानक नाम लेवा सात संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज बड़ी खुशी का दिन है कि गुरु नानक पातशाह के जन्म स्थान से, ननकाना साहब से, 1 अगस्त से कलतारण यात्रा आरंभ हो के हिंदुस्तान के कोने कोने विचों सफर तय करती हुई आज यहाँ बम्बई में पहुँची है। 21 तारीख को नवी बॉम्बे में आई थी और कल नवी बॉम्बे से चल के एरोली थाना, बाद में टैगोर नगर, बकरोली, मुलन और फिर चूना भट्टी सत्संग सभा से होके फिर बाद में दादर में शाम को समाप्ति हुई थी। और आज अभी इस यात्रा की आरंभता गुरु नानक खालसा कॉलेज से आरंभ होके यहाँ से गुरु नानक दरबार सिंधी गुरुद्वारा जो है वहाँ जाएगी, उसके बाद फिर ये यात्रा गुरु नानक हॉस्पिटल होके वहाँ से तनपुटो हर गुरुद्वारा जाके फिर अंधेरी, और उसके बाद ये यात्रा गोरेगांव, मलाड, कांदेवली, बोरीवली शाम को समाप्त होएगी, जो कल यात्रा बोरीवली से चल के फिर ये गुजरात के लिए रवाना होएगी, वहाँ से दहिसर रुकेगी, फिर वसई रुक के फिर गुजरात एंट्री करेगी। मैं समझता हूँ ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में ये शताब्दी 550 साल प्रकाश पर्व जो 10-11-12 नवंबर को गुरु नानक पातशाह जी का आ रहा है, उसमें हम सब जितने भी गुरु नानक नाम लेवा समूह साध संगत जो है, हमारे जितने भी माई भाई हैं, इसमें अपना उसको यात्रा का आनंद मानते हुए अपना जीवन सफल कर रहे हैं। मैं समूह साध संगत को ये अपील करता हूं कि गुरु नानक साहब का संदेश जो है, जो मुसलमाना के पीर थे और हमारे सिखों के गुरु थे, वो सबके साझे गुरु थे, उसका संदेश हमको पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहिए। और आज गुरु नानक के संदेश से ही ये जितने भी धर्म है सब एकत्र होकर चल रहे हैं। अगर उन्होंने संदेश नहीं दिया होता तो आज यहाँ तितर बितर सब हो जाते। मैं समझता हूँ कि हमें अपने गुरु नानक साहब का संदेश सब दुनिया में पहुँचाना चाहिए, और गुरु नानक पातशाह का जो 550 साल प्रकाश पर्व है, बड़ी शान शौकत के नाल और उससे बढ़ाना चाहिए। आप देखा है कि हमारी यात्रा में जितनी भी संगत है बड़े उत्साह के साथ, और
उत्साह के साथ और बड़ी भरपूर श्लाघा योग उनका कदम का अपना बोलना पड़ेगा कि वो वहाँ पहुँचते हैं और कई कई घंटे तक अपना इंतजार करके वहाँ से वो अपना उनके दर्शन करके बाद में आगे बढ़ते हैं। मैं फिर आज यही अपील करूँगा कि आज यहाँ से अभी यात्रा आरम्भ हो रही है, समूह भाई भाई उसमें शामिल होकर अपने गुरु महाराज की खुशियाँ प्राप्त करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पीछे 3 महीने पहले से प्रीमियर लीग हुआ था, काफी एक अलग ही खुशी थी। अब ये है कि कोई भी फंक्शन होता है, पहले 3 महीने 2 महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती है, तो इसमें क्या कहना चाहिए बाबा के नेतृत्व में सब चीजें होती है। पिछले साल नवंबर से ही पूरा साल ये जो है 550 साल प्रकाश पर्व समर्पित जगह जगह पे पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उसी तरह ही यहाँ भी सिख प्रीमियर लीग जो है गुरु नानक खालसा कॉलेज में श्री गुरु सिंह सभा मुंबई, गुरु नानक खालसा कॉलेज मुंबई ने समूह सभा सोसाइटियाँ समूह संगता ने मिलकर यहाँ वो आरम्भ किया था, जो बड़ी ही शानदार यहाँ वो प्रोग्राम हुआ था। उसके उपरंत भी कई जगह पे इसी तरह ही जैसे ये यात्रा निकाली गई है, इसके पहले नानक चीरा से भी यात्रा इसी में समर्पित निकाली गई थी पिछले महीने। मैं समझता हूँ कि अब और भी बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, बहुत सारे कीर्तन दरबार होंगे, बहुत सारी रैलियाँ होंगी और बहुत सारे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम भी होंगे, वो सब गुरु नानक पातशाह नूं समर्पित ही होंगे 550 साल के प्रोग्राम को। वाहेगुरु जी की फतेह। आप सब नू गुरपुरब की बहुत बहुत बधाइयां होवन। अज सारे ही असी अखां लगाए बैठे हाँ कि बाबा जी के दर्शन होन, किना किना प्यार है हर तरफ। और यही मैसेज आंदा है गुरु नानक देव जी तो कि एक नाल चलो, एक बन के रहो, एकता नाल सारे रहो और खुशियां प्राप्त करो, प्यार वंडो ते असीसा लो। बस यही मैसेज सबनों हैगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं भाई दा बहुत सारे लोगन महीना तो तैयारियां चल रही ने, एंड मेरे फादर जो इस दे पार्ट हैगे जीएस बावा, मैं इना जानती हाँ कि उन्हां दी तबीयत खराब रही है और दिन रात लगे हुए ने। खैर ये टीम वर्क हैगा, बहुत लोग इस विच कम कर रहे हैगे, बहुत लोग इस वक्त असीसा प्राप्त कर रहे हैं और उन्हां करके असी भी इत्थे हैगे हाँ और असीसा प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी खुशी का मौका है और दिल इस वक्त प्यार नाल रजे होया है मेरे फादर करके, बहुता लोगों करके, खालसा कॉलेज करके, ते सबनू सुख सुख होवे और खुशियां होवन। एंड इट्स ब्यूटीफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मोमेंट राइट नाउ। यात्रा के बाद आई थिंक पापा का मेन मैसेज यही है कि हमारी जो सिख संस्था है, हमारी जो कम्युनिटी है, ये एकजुट होके सब साथ में चले, प्यार से चले और वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी का फतेह जयकारा सब एक होके बोले। हाईटेक जिम बनने वाला है, उस शुरुआत भी आपके पापा ने, बाबा जी ने की है, क्या कहना चाहेंगे सलमान खान जैसे लोग? जैसे आप देखते हो कि पापा खुद बहुत फिटनेस में बिलीव करते हैं और हम सबके पीछे सुबह से लगे रहते हैं कि लग जाओ सारे के सारे कुश्ती में, तो उन्होंने यही चीज़ बिलीव की और इसीलिए ऋतिक जी को और सलमान जी को बोला है कि यहाँ पे जिम में साथ दें। एंड आई एम श्योर सारे स्टूडेंट्स भी फिट होंगे, क्योंकि फिट हैं तो चुस्त हैं, चुस्त हैं तो वो तभी पढ़ पाएंगे। Yes, my brother is a marathon runner. He is an Iron Man, and he is a big inspiration for all of us. स्वागत करते हैं जिसकी वजह से हम सब वेट कर रहे हैं। Thank you. यात्रा कल से कई दिनों से चल रही है, पर कल मुलंड में थी और मुलंड में बड़ी संख्या में पूरे मुंबई के जितने सरदार हैं सब वहाँ आए थे और आज यहाँ से यात्रा आगे चलेगी। ये गुरु साहब की खड़ाओ हैं, उनके दर्शन करने के लिए हम लोग रास्ते पे उतरे हैं। इतने लोग रास्ते पे उतरे हैं, खड़ा हुए हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। इससे पहले इस मुंबई की सड़कों पे इतने सरदार कभी नज़र नहीं आए थे जितने आज नज़र आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरदार लोग धर्म के पक्के हैं, निष्ठावान है, धर्म के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ भी गुरु साहब की ये खड़ावे जाएंगी वहाँ वहाँ सरदार जाने वाले हैं। कल मुलंड में आपने देखा नहीं, लगभग 5,000 सरदार लोग
लालाओं के बाजू में आके खड़े थे, लंगर था, बहुत कुछ था वहाँ के लोगों ने किया था। और आज इधर से ये कड़ा में अलग अलग जगहों में जाएंगे। मेन मकसद सरदारों का ये है कि कड़ावें के गुरु नानक देव जी की कड़ावें के दर्शन करने के साथ हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ये उनके मन में बैठा है। और ये बात सच्ची है कि जो आदमी गुरु के घर के दर्शन करेगा उसका जीवन सफल होगा। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप इतनी बड़ी संख्या में सरदार पहले नहीं देखोगे, जितने सरदारों के मन में जो श्रद्धा है, जो प्यार है गुरु साहब के प्रति, वो आज आपको मुंबई में देखने को मिलता है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि सरदारों को लोग बदनाम करते हैं, वो गलत है। सरदार कट्टर धार्मिक है और अपने धर्म के ऊपर श्रद्धा रखते हुए वो इस तरह की सेवा करते हैं। सर आपकी बात को रखते हुए मैं बोलता हूँ, जैसे पीछे 370 को लेकर काफी मसला हुआ पाकिस्तान को लेकर, उन्होंने कहा था कि करतारपुर को लेकर सरदारों को भड़काया जाए, सिखों को भड़काया, उनकी भावना को भड़काया जाए, तो क्या उनकी बातों में आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बात नहीं है, किसी के भड़काने से बोलने से सरदार कभी भड़कता नहीं है। सरदार जब भड़कता है तो अपने मन की जो इच्छा आती है, मन से जो निकलता है उसके ऊपर भड़कता है। कहीं हमारे साथ अन्याय होता होगा तो वहाँ भड़कता है। ऐसे बोलने से लोग बोलते हैं, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कट्टर अपने पंजाबी हैं और अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इससे बड़ा कोई बात हो नहीं सकती। करतारपुर के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? करतारपुर साहब क्या है कि पाकिस्तान के हद में है, हद में, और नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी कृपा है कि उन लोगों ने वहाँ पर जाने का रास्ता बनाया, वहाँ जाओ दर्शन करो और वापस आओ, इस तरीके से सिस्टम किया। बड़ी बात है कि हम वहाँ करतारपुर तक जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, ये भी हम नरेंद्र मोदी का और भाजपा सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता बना दिया, बहुत बड़ी बात है। तो सदा में कहीं जैसे पाकिस्तान खर्च नहीं डालेगा बोला जाता है कि सिख एक हमारे पास मुद्दा है सिखों को, जैसे मैंने पहले सवाल पूछा, अगर कुछ रोक टोक आता कॉरिडोर पे? कोई कॉरिडोर में रोक टोक आने वाला नहीं है, पाकिस्तान कोई रोकने वाला नहीं है। पाकिस्तान को भी इतना अक्ल है कि वहाँ अपने धर्म के लिए जाते हैं और दर्शन करके वापस आते हैं, इसलिए पाकिस्तान को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे साथ है, हमारे धर्म की रक्षा करते हैं, हमारे वहाँ गुरुद्वारों को देखते हैं, इसलिए जो आदमी जाएगा दर्शन करके वापस आएगा। लंदन इंग्लैंड में थोड़े बहुत ऐसे सिखों को बढ़ता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो लोगों की आदतें हैं। अभी मैं बाहर से अंदर आया तो यहाँ भी लोग बोलते होंगे कि देख सरदार को कुर्सी में बिठा दिया और हम बाजू में खड़े हैं। तो हर एक आदमी का सिस्टम होता है, लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं, मगर अपने को अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखनी है और सेवा की सेवा भावना अपने दिमाग में रखनी, इतना ही काफ़ी है। ये यात्रा तो पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, जिस तरीके से वो चली है उस तरीके से जहाँ जहाँ लोग बुलाएंगे वहाँ वहाँ ये दर्शन कराते हुए जाएंगे। सर इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या? दर्शन करने का है, पहुंचने का यात्रा के पहुंचने। अब पंजाब में जाएंगे ये लोग, पंजाब तक जाएंगे, कई स्थानों में जाएंगे, जैसे मुंबई में आए, ऐसे अब आगे चलते चलते जाएंगे और पंजाब में जाके खत्म करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद जी। अमृत सिंह, हरभजन सिंह, आज की अगर बात करें क्या कहना चाहेंगे जो पर्व है उसके बारे में? ये मनाया जा रहा है 550 साल गुरु नानक देव जी का, और ये जो आपने पोशाक पहनी है इसका क्या कितना महत्व है? ये पहना जाता था जंग जब भी होती थी ना वो टाइम पे, तभी पहना शुरुआत हुआ था। तो यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब से आप एक्साइटमेंट है यात्रा को लेकर? हम तो बहुत टाइम से एक्साइटमेंट थे देखने के लिए, तो आज हमें मौका मिला देखने के लिए। कितने मतलब आज के और क्या क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है ये यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो अभी यहाँ नए, इतना वो तो नहीं पता, तो हम बहुत टाइम से देखना चाहते थे ये, तो आज देखने का मौका मिला। हाँ जी, जय हिंद।
हम एनसीसी वन मास्टर बटालियन जीएन खालसा कॉलेज से है। मेरा नाम कंपनी जूनियर ऑफिसर रौनक सूची है। आज यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब आए हैं जहाँ तक हमको मालूम पड़ा है, तो इनके लिए एक राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है उनको हमारे एनसीसी की ओर से। तो आप देख सकते हैं पीछे हमारे जो गार्ड्स है वो यहाँ पे राइफल से उनको सैल्यूट देंगे, जबकि राइफल एक डमी राइफल है और साथ में हमारे साथ एक बैंड भी है जो सलामी को सपोर्ट करता है। कितनी तैयारियाँ की थी आपने? जी तैयारी तो हमें 3-4 दिन से पहले बोला गया था, तो हमारे जो बच्चे वो अभी जो लेटेस्ट जो कैंप आ रहा है रिपब्लिक डे कैंप, उसके लिए बच्चे ड्रिल में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उनको आता तो उनसे हम खाली पॉलिश करवाए। 5 दिन हमने बहुत मेहनत की है, तो इसके लिए आज प्रोग्राम काफ़ी अच्छा होगा। और बस बाकी सब दुआएं। थैंक यू भगवान।